नमस्कार तो बर्खास्त एस आई वर्दी पहनकर कर रहा था वसूली पुलिस को देखकर खेतों में भागा पैरों में गिर कर बोला माफ कर दो अब गलती नहीं होगी इस वक्त आप डी न्यूज देख रहे हैं अजय कोहली के साथ बताना चाहूंगा बर्खास्त एस आई वर्दी पहनकर ट्रैक्टर और ट्रकों से अवैध वसूली कर रहा था लोगों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को खेतों की तरफ भागता देखा गया हम आपको बता दें पुलिस ने पीछा कर उसको पकड़ लिया पकड़े जाने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ा माफ़ी मांगने लगा मामला भरतपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र का है ये घटना सोमवार की है लेकिन इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया हम आपको बता दें थाना प्रभारी हरलाल मीणा ने बताया कि बर्खास्त एस आई राम मीणा वर्दी पहनकर सोमवार शाम को नगर के पास स्थित ऊर्जा मंदिर के पास ट्रैक्टर और ट्रकों से अवैध वसूली कर रहा था पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी खेतों की तरफ भाग गया इस मौके पर पुलिस और ग्रामीणों ने पीछा कर दबोच लिया है हम आपको बता दें पकड़े जाने के बाद बर्खास्त एस आई पुलिसकर्मियों के पैरों में गिरा और माफ़ी मांगने लगा पुलिस ने बताया कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं हम आपको बता दें हेड कांस्टेबल बलजीत सिंह ने बताया कि वो सोमवार को करीब पाँच बजकर तीस मिनट पर शाम को नगर कस्बे की डिगचुंगी पर गश्त कर रहे थे उनको बुर्जा हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में नज़र आया जो कि ट्रैक्टरों से और ट्रकों से अवैध वसूली कर रहा था इस पर वे मौके पर पहुंचे तो आरोपी बर्खास्त एसआई आई दोजीरा मीना अवैध वसूली करता हुआ मिला पूछताछ करने पर वो हड़बड़ा गया और खेतों की तरफ भाग गया इस पर वो पीछा करने लगे और उसको पकड़ लिया थाने ले जाते समय आरोपी पैरों में गिरा और गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगा मुझे माफ़ कर दो अब गलती नहीं होगी लेकिन हम आपको बता दें उन्होंने बताया कि आरोपी दुर्जीरा मीणा कुमेर थाना क्षेत्र के पिचूमर का रहने वाला है डेढ़ साल पहले वो भरतपुर पुलिस लाइन में था और एस पद से बर्खास्त कर दिया गया था फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है तो लगातार आप देखते रहें डी टी न्यूज़ अजिकोली के साथ इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब हमारे पेज को करें फॉलो